हूँ प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। श्रीदेवी हाल ही में अपने आने वाली फिल्म मॉम के प्रमोशन के लिए दिल्ली आई हुई थी। उनके साथ फिल्म के अन्य कलाकार अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी मौजूद थे। श्रीदेवी से उनके फिल्म के अलावा उनकी बेटियों से जुड़े भी कई सवाल पूछे गए। जब श्रीदेवी से उस खबर के बारे में पूछा गया जिसके मुताबिक उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर ने एक टीवी डांस शो का ऑडिशन दिया था, तो श्रीदेवी मुस्कुरा कर बोली, ये खबर सरासर झूठ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी छोटी बेटी किसी भी डांस शो में हिस्सा नहीं ले रही है। इस अफवाह पर अपनी बेटी के रिएक्शन को बताते हुए श्रीदेवी बोली, इस खबर को पढ़कर मेरी बेटी खुशी मेरे पास आकर बोली, मम्मी ये रूमर कहां से उड़ रहा है। मैंने उसे समझाया कि रूमर्स ऐसे ही किसी के दिमाग से उपज होते हैं। कुछ दिन पहले आई खबर के अनुसार खुशी ने रेमो डिसूजा के रियलिटी शो डांस प्लस के तीसरे सीजन के लिए ऑडिशन दिया था। जाने माने कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा का ये डांसिंग रियलिटी शो स्टार प्लस पर शुरू होने वाला है। ऑडिशन के दौरान एक दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी भी वहां ट्रायल देने पहुंच गई। खुशी को कोई पहचान नहीं पाया और उन्होंने भी अपनी असली पहचान जाहिर नहीं की। जब खुशी टॉप 35 में सिलेक्ट होने के बाद रेमो के सामने परफॉर्म करने पहुंची, तो खुशी की असली पहचान जानकर सभी हैरान रह गए। सभी को ये बहुत रोमांचक लगा कि बिना सेलिब्रिटी आइडेंटिटी के खुशी ने ये मुकाम हासिल किया। लेकिन माँ श्रीदेवी ने इस पूरी घटना को सिर्फ झूठ बताते हुए इसे हंसी में उड़ा दिया। खैर, अब ये कितना सच है कितना झूठ, ये तो डांस प्लस के आने पर ही पता चलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।